नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। एक और जहां पूरे देश में आज 26 जनवरी मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली युद्ध का मैदान बना हुआ है। किसानों ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकाले जाने की बात कही थी, लेकिन किसान उग्र हो गए और किसान उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस और किसान के बीच मारामारी प्रारंभ हो गई। सरकारी संपत्ति की भी क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर दिया गया। किसान ने लाल किला पर कब्जा कर लिया और लाल किला पर भगवा और झंडा फहरा कर लाल किला पर जमे हुए हैं। पुलिस वाले काफी जद्दोजहद कर रहे हैं कि लाल किला परिसर से हटाया जाए और झंडा उतारा जाए। जिस खंभे में तिरंगा फहराया जाता है, उस खंभे में दूसरा झंडा फहराना देश के उस पवित्र स्थान का अपमान कहा जा रहा है। देश को शर्मसार कर देने वाली आज की घटना, यह देश के सर को झुका दिया कि पूरे विश्व जहां एक ओर इस 26 जनवरी के इस परेड को देखने का काम किया और लोग आज 26 जनवरी खुशी खुशी मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वहीं किसान अपने मांगों को लेकर लाखों लाख किसान ट्रैक्टर रैली निकाल कर डाला लगा कर झंडा लगा कर तिरंगा लगा कर और किसान मोर्चा का झंडा लगा कर डीजे बजा कर ट्रॉली लगा कर पहुंच गए दिल्ली में। और उन स्थानों पर उन्होंने प्रवेश करा जिस स्थान पर पुलिस से कहा गया था कि नहीं जाना है, रूट चेंज करके जहां तहां किसान घुस गए और पुलिस वाले से कई जगह झड़प हुई, रोड़ाबाजी हुआ, पानी छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चली, लेकिन किसान मान नहीं रहे, किसान बढ़ते चले गए। और अब कहा जा रहा है कि लाल किला पर खंभे में झंडा लहरा कर किसान जमे हुए, पुलिस जद्दोजहद कर रही है। पुलिस बहुत ही संजीदगी के साथ इस मुहिम को रोकने का प्रयास कर रही है। कुछ किसान नेता अब इस उग्र प्रदर्शन को देखकर अपने हाथ को पीछे खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान के बीच में कुछ उपद्रवी घुस गए, जिनके कारण इस तरह की हंगामाबाजी हो रही है। मोदी के कृषि बिल लाए जाने के बाद यह हंगामा पिछले 2 महीने से जारी है। बॉर्डर पर विरोध होता रहा, धरना प्रदर्शन चलता रहा, पुलिस के बीच समझौता हुआ, किसान ट्रैक्टर रैली एक भारतीय नागरिक होने के नाते तिरंगा के साथ लेकर आने की बात कहा, लेकिन बात बिगड़ गई, जहां तहां घुसने लगे, झमेला बढ़ गया, अब लाठियां चली, झमेला हो रहा है। मोदी जी जो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके इस कानून के लाए जाने के बाद किसानों द्वारा वापसी की मांग को लेकर यह सबसे काला दिन कहा जाएगा कि किसानों का यह आंदोलन इस कदर उग्र हुआ और उपद्रवी तरीका अपनाया जिससे देश के संपत्ति की क्षति हुई, पूरे दिल्ली के सड़कों पर कब्जा किया, ब्रैकेटिंग तोड़ा, हंगामा किया, पुलिस वाले पर पत्थरबाजी किया, लाठी चलाया और जिस तरह पुलिस वाले को नतमस्तक करा दिया और प्रशासन को एहसास करा दिया कि हम तुम पे भारी, और इस तरह की शर्मनाक घटना को देखकर आज जो संविधान इस देश में लागू हुआ और आज के ही दिन संविधान पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया, आज ही हमारे देश के संविधान की धज्जी उड़ाने की प्रयास हो रही है, जो बड़ा ही निंदनीय है। किसान का यह उग्र आंदोलन पूरे देश को शर्मसार कर देने वाला आंदोलन कहा जा सकता है। सरकारी संपत्ति की क्षति हुई, लाल किले पर कब्जा किया गया, झंडा फहराया गया, हो हंगामा सड़कों पर होता दिख रहा है। अब तक समाचार दिए जाने तक मामला शांत होता नहीं दिख रहा था। जो भी आगे समाचार होगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।